यही पूछना चाहेंगे कि क्या अर्थ है आलस्य का और अलबेलेपन का? आंसर है वी वांट टू डू योग एंड कैन डू इट बट लीव इट फॉर अदर टाइम। हाँ वो, हाँ आगे के लिए पोस्टपोन करना, आंसर आ रहा है दीदी, कह रहे हैं आगे के लिए पोस्टपोन कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो लगभग सभी को ये आइडिया है कि ना आलस्य अलबेलापन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनको ऐसे विकारों में, है ना, लास्ट विकार इस रूप से रखा जाता है ना, मोटे मोटे रूप से 10 विकार जो बताते हैं। तो आलस्य का अर्थ है लेजीनेस, जिसको हम कहा कि करना चाहते हैं मगर फिर उसको बाद में कर देना, है ना, कि बाद में करेंगे ऐसा। तो ये लेजीनेस की थोड़ा उसको पोस्टपोन करना, आगे के लिए उसको टाल देना। और यहाँ पर बाबा यही कहते हैं कि ये जो जितने भी बाकी विकार हैं, है ना, मोह कहे या जैसे भी जो सारे विकार हैं, उसको फिनिश करने के लिए, उन सब तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप है कि ये आलस्य अलबेलापन, है ना, इस पे थोड़ा इधर इस पे काम शुरू होता है, तब हम बाकी की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए ये माया का एक बहुत ही ऐसा रूप है जिसमें इसके रूप को अगर हम समझ जाए, है ना, माया के इस खेल को अगर हम समझ जाए, क्योंकि बहुत उसका कॉमन काम है, माया के लिए बहुत ही इजी है ये आलस्य और अलबेलेपन के दरवाजे का इस्तेमाल करके आत्मा की जागृति में रुकावट डालना। तो ये इसका, माया का ऐसा लक्ष्य है। तो वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है ना, आलस्य और अलबेलेपन के रूप में आकर। अभी आत्मा आज थोड़ा सा गेम समझ जाए कि ये खेल कैसे चलता है। दूसरा है अलबेलापन। तो अलबेलेपन का अर्थ है कि लापरवाही, जिसको कहते हैं केयरलेस, तो लापरवाही। So, ये है माया के दो रूप। तो आज हम इन दो रूपों को थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं, और इन्हीं दो दो जो माया के जो रूप हैं, इसको स्थूल रीति से इसका जवाब देने के लिए बाबा ने नियम और मर्यादाएं बनाई हैं, जिससे बाबा जानते हैं कि ये आलस्य अलबेलापन जो है ये दूर रहेगा आत्मा से। तो नियम और मर्यादाएं, माना कि सुबह ना सुबह उठ के याद करना, उस समय भी अच्छा है, और तरीके से जब ये आत्मा ये पहला कदम उठाती है तो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस आता है बाकी भी चीजों का। तो इस तरीके से कुछ नियम मर्यादाएं हैं जो बाबा जितने भी हम कहें कि क्लास जाने का ना, सेंटर जाने का न, क्लास करना न, साथ साथ में भोग हम ग्रहण करते हैं, उससे पहले भोग लगाना, ऑफर करना। तो ये स्थूल में कुछ मर्यादाएं धारणाएं हैं, जो कि इन्हीं मर्यादाओं धारणाओं का हमें अर्थ समझना है कि ये क्यों है, ताकि ये आलस्य अलबेला अलबेलेपन के जो मोटे रूप हैं वो दूर रहे। सो इसका कई बार क्या होता है कि हम इसी को लक्ष्य बना लेते हैं कि यही करना, मतलब ये हो गया तो डन,
अमृत वेला और भी बहुत सारे जो हैं, है ना, आलस्य अलबेलेपन के लिए जो स्थूल रूप से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बस ये सब कर लेना, माना कि टिक हो गया, है ना, माना कि हमारा सब हो गया, तो ये भी आलस्य का रूप है, ये भी अलबेलेपन का रूप है कि जो सपोर्टिंग चीजें हैं, जो हमारे इस संपूर्णता की यात्रा को सहयोग देने वाले जो सपोर्टर हैं, उसको समझना कि ये मंजिल है, इसको मंजिल समझना, ये भी आलस्य होता है, ये भी माया का रूप है। हमारा फाइनल लक्ष्य क्या है, यहाँ पर चैट पे बताएंगे फाइनल लक्ष्य क्या है। एक ही लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य, क्यों हम क्लास कर रहे हैं, क्यों अभी हम ना समझ रहे हैं, ये सब क्यों किया जा रहा है। लिखा है संपूर्ण बनने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अशरीरी बनने के लिए, भाव समान बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, देवता बनने के लिए। बाप समान बनने के लिए। और इस अवस्था को क्या कहा जाएगा, बाप समान अवस्था को, संपूर्ण अवस्था को क्या कहते हैं, कर्मातीत। तो कम कम कर्मातीत अवस्था है ना, कर्मातीत अवस्था, तो ये है बाप समान स्थिति, जैसे परमात्मा कर्मों के लेन देन इन सब से परे हैं, अतीत हैं, वो भी आते हैं इस रंगमंच पर, आते हैं, शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, एक शरीर का भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो सब करते हुए भी उनको बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पार्ट प्ले हो रहा है, और इसीलिए उस बजते हुए पार्ट से जैसे ही इसको हम क्या देख बोलेंगे, जैसे ये एक सीडी है, इस सीडी को हमने इसके सीडी प्लेयर में डाला ना, ये इसका बाजा है, इसमें डाला, जैसे इसको सीडी को इसमें डाला तो ये अपना गाना प्ले करना शुरू हो जाती है ना, गाने बजने शुरू हो जाते हैं, तो वो है पार्ट। अब सीडी जो कि कंप्लीटली न्यारी प्यारी अवस्था में है, साक्षी दृष्टा है, वो इन बजते हुए गानों को ऐसा नहीं कहेगी कि मैं बजा रही हूं, उसको स्पष्ट है कि सीडी प्लेयर में आई है, बाजे में आई है, तो ये गाने बजेंगे, और इसीलिए हर हर कर्म, हर शब्द उसके प्रति बाबा की जो स्मृति है, जो हम प्रैक्टिकल में बाबा से देखते हैं कि बाबा कहते हैं ना, पार्ट में है तो किया ना, पार्ट में था तो बोला, पार्ट में संकल्प आया तो ये है, ये संकल्प को मैं स्पष्ट करता हूँ ना, पार्ट में जैसे है वो चल रहा है, तो ऐसे ही हम आत्माओं को भी बाबा की स्मृति ये देखनी है। अभी बाबा यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमें समझना जरूरी है कि ये कर्मातीत अवस्था ये है फाइनल स्टेज आत्मा की, और इस कर्मातीत अवस्था तक जैसे कहा कि इस बाप समान स्थिति का अनुभव करना है, ऐसा बोला ना कि वो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, तो अगर हमारी जो मंजिल है वो है कर्मातीत, तो इसके लिए हमारा मेथड क्या होगा ना, मंजिल मंजिल अगर कर्मातीत है तो हमारी रास्ता यात्रा में कैसे होगा, यात्रा करते वक्त क्या करना होगा,
मंजिल है कर्मातीत, और यात्रा में क्या, किस चीज का हम अभ्यास करेंगे? आंसर आया है लाइट रहना है, न्यारापन, नष्ट मोह, कर्मों से न्यारा रहना। ठीक है। ये है मंजिल, ये है लक्ष्य, तो इसका यात्रा में क्या होगा? यात्रा में भी इसी स्थिति का अनुभव, तो जाके यह अवस्था जमेगी। तो कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत कंप्लीट, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में हो जाना, वो है लक्ष्य, परमात्मा ने दिया है लक्ष्य ना। और ये क्योंकि अब ड्रामा फिनिश होता है, तो परमात्मा कहते हैं कि घर जाने से पहले ये है तुम्हारा फाइनल लक्ष्य, और इसके लिए यात्रा में, यात्रा करते वक्त जितना ज्यादा इस स्थिति में टिकेंगे, उतना ही जल्दी ये अवस्था आएगी। यहाँ पर अब इसी मंजिल और इसी यात्रा की, इसी यात्रा के बीच में माया क्या करती है? सबसे ज्यादा वो यहाँ पे आलस्य और अलबेलापन लाती है कि ये बाद में होगा ना, ये बाद में किया जाएगा, ये तो फाइनल है और ये तो एंड में होगा, अभी तो हो नहीं सकता। तो ये बाबा कहते हैं ये अंत में आएगी, क्योंकि वो सत्य है, लेकिन हमारा जो यात्रा है, यात्रा में इसका कई बार अनुभव, कई बार अभ्यास, इसमें इसी दृष्टि से देखना, इसी दृष्टिकोण से देखना, तो यहाँ पे माया जो है सक्सेसफुल हो जाती है ना, वो सफल हो जाती है। छोटे छोटे रीति से तो वो करती है कि ये बाद में करना, बाद में करना, और देखते देखते क्या होता है, जो यात्रा का जो अहम कदम है उसमें भी वो बाद में कर देती है। तो इस चीज को हमें कंप्लीटली अभी आज से इस चीज को समझ लेना है कि हमारा जर्नी में, यात्रा के दौरान भी इसका अनुभव होना, और इसी, यही यात्रा है ना, यही यात्रा है, और इसी में माया अपना काम करती है ना। जो पुराने जितने संस्कार हैं, तो पुराने संस्कार को हम क्या बोलते हैं? पुरानी किसी भी चीज को कहा जाएगा वो है ये रावण की का वर्षा है, कोई भी पुरानी चीज है रावण का वर्षा है, और इस रावण के वर्षे का प्रभाव आत्मा पे पड़ता रहे, इसके लिए रावण जो है माया का इस्तेमाल करता है। माया माना मन में संकल्प आते हैं ना, उस संकल्पों की रीति से अंदर से वो शुरू होगा, संकल्प आना शुरू होंगे। तो अब आत्मा साथी है बाबा की, आत्मा और बाबा ये अभी साथी हैं, और ये रावण और माया ये दोनों भी साथी हैं। तो अभी तक जो भी पुराना है, जो भी व्यर्थ है, जो भी पुराना है और जो भी व्यर्थ है, वो सब रावण का वर्षा है। इसको, पुराने को और व्यर्थ को मेरा मेरा कहना, मेरा समझना, मेरा समझना, इसको मेरा समझाने में, आत्मा को कन्विंस करने में, उसको मनाने में कि ये पुराना और ये व्यर्थ, ये सब तुम हो ना, ये सब तुम्हारा है,
इसमें ये माया का विशेष काम है। और बाबा कहते हैं कि जो भी पुराना है व्यर्थ है, वो कभी भी मेरा नहीं करो, वो तेरा है, वो सौंप दो अपने पास, उसको कभी भी अपना नहीं समझो, मेरा नहीं लगाओ ना, मेरा नहीं कहो। अभी पीछे बाबा ने क्या कहा कि इवन शरीर भी ना, शरीर के लिए सोचो कि ये बेकार शरीर है, चलता नहीं है। बाबा ने कहा नहीं ना, नहीं, ये फाइनल चोला है ना? ऐसा हर एक चीज जो पुरानी है ना, हर एक चीज जो व्यर्थ है, उसको पहला स्टेप होता है कि मेरा नहीं समझना। बाद में ही नहीं, सिर्फ चीज हो जाए उसके बाद नहीं, लेकिन इस समय भी कुछ पुराना संकल्प, पुराना व्यर्थ का संकल्प आया तो उसको मेरा नहीं समझना। माया का स्पेशल काम है कि हर पुरानी चीज को वो उसको मनाना है आत्मा को कि ये आपका है ना, ये उसका स्पेशल काम है। तो जितनी बार आत्मा समझती है ना कि ये मेरा है, मैं ऐसी हूं, तो माया सक्सेसफुल, माया सफल हो रही है। और जितना माया सफल ना, जितना माया सफल, तो उतना ये सारे जितने भी ये जो वर्षा है, रावण का जो वर्षा है, ये और पक्का और बाबा का जो वर्षा है, संतुष्टता, प्यार, सबके लिए निर्दोष भाव, सब बहुत भोले, सब बहुत प्यारी आत्माएं, ये अनुभव होना, ये इससे, इस अनुभव से वंचित ना, इस अनुभव से दूर। तो ये समझे, हम ये समझा कि रावण का वर्षा है कोई भी पुराना संकल्प या फीलिंग या अनुभव, पुरानी बातों को लाना, और पुराना भी और व्यर्थ भी, व्यर्थ बातें ना, व्यर्थ संकल्प, ये सब कुछ है रावण का वर्षा। और माया का अभी काम है, स्पेशल काम है माया का, कि इन सब को आत्मा को बार बार मनाना कि ये सब तुम हो, ये सब तुम्हारी गलती है। ऐसा है कि ये आत्मा के पुराने कुछ संस्कार हैं, बहुत समय से इसको यूज किया है तो ये संस्कार हैं, तो माया का यही काम है। ये देखा, ये 63 जन्मों का है ना, ये तो इतने जन्मों का संस्कार, ये ऐसे थोड़ी जाएगा ना, तुम ऐसे हो, ये है माया का स्पेशल काम। तो आज से जो ये समझ जाएगा ना कि इसका काम ही ये है, तो जब ये अपना काम चालू करेगी तो वो आत्मा इसके प्रभाव में नहीं आएगी, वो क्लियर रहेगी कि जो बाबा का है, जो बाबा का है वही मेरा है, वही मेरा। जिसने ये समझ लिया, जिसने ये समझ लिया कि ये माया का काम है बार बार रावण के वर्षे को सिद्ध करना कि ये आप हो, ये आप हो, इतनी प्यारी आत्मा है, बाबा की संतान, ये आप हो, तो हमारा जो शुरू करने का जो तरीका है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे अगर हम कहें कि ये क्षण पहला क्षण है जो आंख खुली, ये क्षण सेकंड पहला सेकंड है, ये बोर्ड दिख रहा है ना आनंदमणि भाई, इधर रावण लिखा हुआ है, माया लिखा है, दिख रहा है? सब दिख रहा है, अच्छा सब क्लियर है। हाँ, तो अगर ये पहला सेकंड है जो स्थूल स्थूल रीति से भी आंख खुली और होश आया, तो पहले सेकंड से स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है जो बाबा का वो मेरा, ये है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत करने का पहला कदम है, स्मृति का पहला कदम है। अगर पहले सेकंड से ही जहां स्मृति आती है और शुरू होता है कि मेरे 63 जन्मों को मुझे भस्म करना है, इतने जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है, तो हमारा जो शुरू करने का जो पॉइंट है, जो शुरुआत है, वो ही है कि मैं पूरी रावण की टीम में हूं
और इससे मुझे निकलना है, और इसीलिए लगता है कि ये बहुत मेहनत का रास्ता है। और आत्मा के लिए बाबा ने ऑप्शन दिया है कि तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो, भले कितना भी इसका प्रभाव है, रावण का कितना भी इसका प्रभाव है, तुम जो हो, जैसी हो, मेरी हो, और अब मैं तुम्हारा हूं। हाँ, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूं। तो इसीलिए पहली स्मृति का कदम, पहला संकल्प, पहली फीलिंग ये है कि मैं इसके साथ हूं और इनका जो है वो है मेरा। तो इस ऊंचे, इस हम कहेंगे कि जब हम शुरुआत इधर से कर रहे हैं, जब हमारी शुरुआत बाबा के साथ है, बाप के साथ से हमारी शुरुआत है, तो ये नीचे के जितने भी खेल हैं, यहाँ पे जितने भी खेल हैं, इसके प्रति ऑलरेडी भावना रहेगी कि जीता हुआ है, यहां से हमने शुरू किया है। और यदि हम सोचे मैं यहां हूं और मुझे यहां जाना है, बनना है, पहुंचना है, तो ये माया बहुत सफल होती है इस काम में। वो कन्विंस करके रखती है ना, राजकुमार को उसने मना लिया है कि तुम राजा के बच्चे नहीं हो, तुम इसके, हाँ, रावण के बच्चे हो। ठीक है, तो आज से पहले तो ये परिवर्तन, इस परिवर्तन से हम आगे की सारी बात समझेंगे, आगे का सारा खेल समझेंगे। लेकिन पहला ये कि आत्मा के लिए बाबा की दृष्टि है, जो है, जैसी है, मेरी है, और मेरा जो है वो सब कुछ तेरा है। ये है समर्थी से शुरुआत। समर्थी से शुरुआत, जब स्मृति में ये पक्का है, तो सूक्ष्म में, स्थूल में जो माया के खेल हैं, उस पे विजयी प्राप्त होती जाएगी। लेकिन अगर स्मृति में ये है कि मेरे इतने बंधन, मेरे इतने कार्मिक अकाउंट, मेरे बहुत सारे हिसाब किताब ना, 63 जन्मों के, और मेरे तो बहुत सारे संस्कार, मैं आलस्य वाली आत्मा हूँ ना, मेरे अंदर बहुत अलबेलापन है, यहाँ से शुरू किया और अब मुझे बाप समान बनना है, तो ये मंजिल फिर ना, पहले ही जैसे कहते हैं ना कि आधा तो मन में वैसे ही हार गए, वैसे ही मन को अब पल पल लग रहा है कि ये तो बहुत ही ऊंची बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये दादियां बाबा वो कर सकते हैं, हम तो थोड़ा बहुत कर ले तो उतना ही काफी है, ऐसा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ऑलरेडी ये फीलिंग आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पर आते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, हमने पहला स्टेप ये लिया है कि जो बाबा का है वही मेरा। अब यहां से हम बात सुनना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी समझ जो ऐसी होती है ना कि हम इस तरफ हैं और बाबा उस तरफ है, और हमें इस तरफ से बाबा के साथ जाना है, बाबा के पास जाना है ना। बाबा कर्मातीत है और मैं बिल्कुल अलग हूं ना, मैं 63 जन्म और 63 जन्मों के संस्कार ना, ये सब है, और मुझे जाना है कर्मातीत अवस्था की ओर, और मुझे बनना है बाबा के जैसा। तो ये अंदर से अगर हम देखें तो स्मृति में ही बहुत बड़ा लंबा मेहनत का रास्ता है। तो बाबा और मैं साथ हैं, बाबा कर्मातीत, जैसे बाबा का बीज स्वरूप जो उनका नेचुरल नेचर है वही मेरा है।
यहां से हम शुरू करते हैं, जो बाबा का है वही मेरा है, और अब हम बाकी का खेल देखते हैं ना, बाकी सारा खेल समझते हैं। तो हमें इधर से उधर नहीं जाना है ना, इस तरफ से उस तरफ नहीं, हम बाबा के साथ ही हैं, उसका उसका हर पल सहारा है, उसका हर पल सहयोग है, शक्तियां हैं, और ये माया हारती जाएगी और ये अपने आप, इसका तो खेल खत्म हुआ पड़ा है, ऐसा जैसे ऑलरेडी बाबा ने बता दिया कि ये तो खेल, ये तो हाँ मरी हुई चींटी है, खत्म ही है इसका राज्य, रावण तो बस इसका राज्य खत्म हुआ पड़ा है। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं, जो बाबा का है वही मेरा, अब यहां से समझते हैं। अच्छा, हर तरह के, अब ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर करेंगे। आलस्य का बीज क्या है? आलस्य का, ये बाबा की मुरलियों से है, किस आधार पे आलस्य होता है? आलस्य का बीज क्या है? चैट पे बता सकते हैं। हाँ जी, बता रहे हैं, वो जी कह रहे हैं, एक तो किसी ने कहा है पुरानी आदत, ओल्ड संस्कार, ओके, ओल्ड संस्कार। अनअवेयरनेस, अनअवेयरनेस, ओके। आज किसी ने कहा है आलस का आधार है अलबेलापन, ठीक है, और संकल्प। अच्छा, संकल्प, वेरी नाइस, ओके। और देह में और देहधारियों में लगे रहना, लो कॉन्फिडेंस, कंफर्ट जोन को हटा न सकना, व्यसन, यही आए वृत्ति। ओके, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि आलस्य का जो बीज है ना, वो है दिल शिकस्ती, ठीक है, दिल शिकस्ती, ये आलस्य का बीज है। शिकस्त माना हारना, शिकस्त माना पराजय, हार हुई, शिकस्त हुई। तो दिल से जब हारने का, दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आता है, ठीक है, दिल शिकस्त जब है तो आलस्य आता है। तो आलस्य का बीज क्या है? दिल शिकस्त। माना मैंने कुछ मैं कुछ करना चाह रहा हूं, मुझे कुछ करना है और वो नहीं हुआ, वो मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ, या है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और फिर उसमें हार अनुभव हो रही है, इधर से आलस्य आता है। तो बाबा ने कहा कि आलस्य स्थूल और सूक्ष्म रूप से पुरुषार्थ में आता है, पुरुषार्थ में आता है। तो इसका भाव ये है कि पुरुषार्थ में, बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ में जब दिल शिकस्त है, पुरुषार्थ से भी जब दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य का अनुभव होता है। तो इसका मतलब है हमारा जो पुरुषार्थ शब्द की जो समझ है, वो ऐसी हो जाती है कि मुझे करना है ना, करना है। जैसे हमने कहा ना कि मैं तो ऑपोजिट साइड हूँ, दूसरे तरफ हूँ, और यहां से मुझे बनना है, यहां से मुझे करना है ना, यहां से मुझे ये मंजिल तक पहुंचना है, और इसीलिए मंजिल बहुत बड़ी हो जाती है, इसीलिए जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन दिखाई देता है ना? क्योंकि मैं बिल्कुल उल्टे तरफ हूं और मुझे यहाँ आना है। तो हम
हमारी जो दृष्टि है अपने प्रति, माना अहम आत्मा के प्रति जो दृष्टि है, वो इस ऐसी है कि मैं पुरानी हूं, बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारी कमी कमजोरियां हैं, और अब मुझे ऐसा बनना है। तो जितना ज्यादा ये भान रहता है कि मुझे करना है, बनना है, मुझे चेंज लाना है, तो इससे मेहनत ज्यादा अनुभव होती है, क्योंकि नेचुरली रास्ता बहुत लंबा दिखाई देता है, और उस लंबे रास्ते पे चलने के लिए ऑलरेडी उमंग उत्साह, मतलब ये जैसे ही लंबी यात्रा बहुत ऊंची, बहुत लंबी दिखाई देती है, समझ में आती है, तो यहीं से माया जो है अपना काम स्टार्ट कर देती है। वास्तव में तो परमात्मा की शक्ति, बाबा का साथ, ऐसा साथ है जो बड़े से बड़ी मुश्किल भी उसके सामने कुछ नहीं है। उसके सामने कोई मुश्किल की तो क्या ही बात है, लेकिन जैसे हमारी समझ में बुद्धि की समझ ऐसी हो जाती है कि अपने को हम जो देख रहे हैं, अपने प्रति जो दृष्टि है, वो वाली दृष्टि है कि रावण कैसे देखता है मुझे, वो दृष्टि नहीं है कि बाबा मुझ आत्मा को कैसे देखता है। तो जब रावण की दृष्टि से आत्मा अपने को देखती है, तो उसका जो करने से पहले ही, कुछ भी करने से पहले ही जो भान है करने का, कर्तापन का जो भान है, वो बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कर्तापन का भान, मुझे सब करना है और इसीलिए टेंशन, आलस्य, उमंग उत्साह ना होना, या हर चीज कभी कभी होना, ये इसीलिए होता है। रावण की दृष्टि से आत्मा अपने को देख रही है। रावण की दृष्टि क्या है? रावण की दृष्टि है कि माया बहुत पहलवान है, बाबा टीचर है, और टीचर टीचर ने बहुत ही लेवल्स में पढ़ाया है ना, फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी तक बाबा ने पूरी पढ़ाई हमें पढ़ाई है ना, फर्स्ट क्लास से लेके पीएचडी तक का कोर्स की महीन बातें ना, वो सब बाबा ने दी है, आत्मा के सामने स्पष्ट किया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास की बातें पे अटेंशन नहीं खिंचवाते ना, क्योंकि बाबा को पता है, एक एक मार्जिन भी रहता है कि फिफ्थ क्लास में भी बच्चा पहुंच गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो एकदम से सेकंड सेकंड क्लास में जो उसने फॉर्मूला सीखे थे वो भूल जाता है, तो इसीलिए वो बार बार सेकंड का भी याद दिलाते हैं, फिफ्थ का भी याद दिलाते हैं, सिक्स्थ क्लास का भी आगे के आगे बताते हैं ना, वो हर रीति से अपनी पढ़ाई को परफेक्ट रीति से बता रहे हैं। इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं कि बाप सर्वशक्तिवान है, बाबा क्या कहते हैं, बाप सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि माया सर्वशक्तिवान है, ऐसा भी फिर सुनने में आता है कि ये माया बहुत प्रबल है, ये बहुत सर्वशक्तिवान है। फिर बाबा कहते हैं कि ये यात्रा तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज योग। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ये तो मासी का घर नहीं है। मगर हमें स्पष्ट होना चाहिए कि
किस क्लास में कौन सी बात कही है, और यदि फिफ्थ क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास की बात को लेके बैठेगा तो उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबा ने दोनों बातें कही हैं और दोनों बातें राइट हैं। जब यात्रा शुरू होती है और आत्मा कंप्लीटली माया के ही राज्य में रही है, उसको बाबा का परिचय ही नहीं है, उसको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, उसकी शक्तियों का कोई अनुभव नहीं है, तो माया बहुत सर्वशक्तिवान है उस रीति से देखें। और ऐसा भी है कि हम लंबी यात्रा पे चलते हैं और कुछ ऐसे आलस्य और अलबेलेपन के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं होते, तो 30-40 साल के बाद फिर माया बहुत जोर से अपना काम कर सकती है। तो इसीलिए हर रीति से हर बात सही है, मगर आत्मा को समझना है कि मैं किस बात को लूं जिससे मेरा जो स्मृति है उसमें समृद्धि आए, क्योंकि टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, टीचर के स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, और इसीलिए वो अपनी ड्यूटी परफेक्टली करते हैं कि 5 दिन में भी क्या माया आती है, कितनी प्रबल होती है वो भी बताते हैं, 30 साल बाद भी क्या हो सकता है वो भी बताते हैं। मगर जो सत्य है कि भगवान से ज्यादा सर्वशक्तिवान कोई नहीं है, वो सत्य स्पष्ट रहना। नाम है सहज योग, सहज राजयोग, तो वास्तव में ये सहज है। तो कौन सी बात एक ओवरऑल पिक्चर देती है ना, इसीलिए हम मुरली को सुनते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, इसी आधार पे नंबर है ना, इसी आधार पे नंबर वाइज हो रहा है, नंबर वार हो रहा है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो स्मृति में समर्थी लाती हैं, आत्मा को समर्थ, उसका समर्थ स्वरूप, तो उस पे अटेंशन देना, उन बातों को साथ रखना, उन महावाक्यों को साथ रखना, ये भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कई बार क्या हो जाता है कि पूरी मुरली हमने सुनी और उसमें से एक पॉइंट लिया कि ये मासी का घर नहीं है, एक पॉइंट उससे लिया, अब ये पॉइंट से स्मृति, पहले तो बाबा कहते थे कि ये भूल जाता है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा खुद बताते हैं मुरली में कि मैं भूल जाता हूं, मगर फिर क्या हुआ, 30-33 सालों में वो आत्मा संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप ना, अव्यक्त रूपधारी हो गई, तो इसका मतलब मैं भूल जाता हूं, याद नहीं आती है, वो सब कुछ को विजय किया, निरंतर याद रहने लगी। अब वो वाली बात तो नहीं बताई उन्होंने मुरली में, क्योंकि निरंतर याद को बताना नहीं पड़ेगा, है ना, निरंतर याद तो ठहरने लगी, तो लेकिन जो बाबा का अभी अव्यक्त स्वरूप है, कंप्लीट जो उनकी स्टेज है, ये ना देख कर कि देखो अल्टीमेटली तो बाबा ने पूरी पढ़ाई अपने अंदर उतार ली और अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता बन गए, मगर उसको पकड़ना कि बाबा तो भूल जाते हैं, बाबा भी भूल जाते थे, वो कब की बात है, वो कब की बात है, भूल जाते थे, याद नहीं रहता था, वो कब की बात है। अभी सारी मुरली से ये पॉइंट हमने लिया कि वो भी भूल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे माया ने इतना स्ट्रॉन्गली वृत्ति बना दी है, जो पॉइंट्स मुश्किल दिखाए यात्रा को, बहुत ही मेहनत वाला दिखाए, ऐसा माया का काम है, क्योंकि क्योंकि
करतापन का भान जितना ज्यादा है, मुझे करना है, उतना स्ट्रॉन्ग माया उतनी तेजी से वार करेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे करण करावन हार बाबा है। तुम अपने संकल्पों के लिए भी नहीं समझो कि तुम्हें करना है ना। चलिए, वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, वो अलग डेप्थ का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे कहने का भान भाव बस इतना है कि आलस्य का बीज है दिल शिकस्ती, और दिल शिकस्ती का जो शुरुआत है उसके पीछे जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो ये है कि मुझे करना है। मुझे करना है, मुझे बनना है, मैं उस पार हूं, उस पार से मुझे इस पार आना है, बहुत लंबी मंजिल है। ये है कर्तापन। और इसका ऑपोजिट, इसकी ऑपोजिट स्मृति है कि मैं बाबा के साथ हूं, मैं बाबा के साथ हूं, हम दोनों साथ हैं। बाबा ने गोल्डन ऑफर करी है आत्मा को कि मैं हर पल आपको सहयोग देने के लिए साथ हूं, और इस साथ का अनुभव करते करते ये जो फाइनल स्थिति है इसमें आ जाना है। तो ये जो समर्पण का भाव है, ये जो कर्तापन से विपरीत का जो स्मृति है, इसका भी हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। हम ये समझ सकते हैं, हाँ, कर्तापन को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस भान को, हाँ, बोझ उठाने का जितना ज्यादा वृत्ति बनाएंगे तो उतना ज्यादा रास्ता लंबा और मेहनत का, और उतना ज्यादा पल पल माया का, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं माया के राज्य से। माया का राज्य सिर्फ सिर्फ ड्रामा तक है, ड्रामा की दुनिया तक ही माया का ये है राज्य है। ड्रामा के परे जो आत्मा की परफेक्ट अनादि स्थिति है, अनादि रूप है, ड्रामा के बाहर जो भी है, ड्रामा मतलब ये जितने भी किरदार हैं, पार्ट हैं, इधर तक ही माया का आना सीमित है, पार्ट तक सीमित है। पाठ को बजाने वाली आत्मा की स्मृति वो जग जाए तो वहां पे माया का आना मुश्किल है। तो जब हमारा शुरुआत करने का जो स्थान है वो ही है ड्रामा की स्मृति, कि मैं 63 जन्म से ये, अब मुझे ये बनना है, मैं वैसी थी, अब ये करना है, बहुत जंग लगी है, ये काल चक्र में फंस कर जो स्मृति है, काल चक्र से अपनी पहचान बनाकर जो स्मृतियां हैं, उससे जब आत्मा शुरुआत करेगी तो माया सर्वशक्तिवान है, मासी का घर नहीं है, और ये बहुत ही मेहनत का रास्ता है। मगर ये सब कुछ होते हुए आत्मा अनादि स्वरूप की जो उसकी स्थिति है उससे शुरुआत करेगी, काल चक्र के परे जो उसका अनादि स्वरूप है, बीज रूप है, उससे जब वो शुरुआत करती है तो हर चीज सहज है, पल पल बाबा का साथ है। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्मृति का परिवर्तन, जिससे कि कर्तापन का भान, काल चक्र में फंस कर हम सब कुछ समझते हैं, तो मुझे करना, कर्तापन का भान बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए दिल शिकस्ती का संस्कार जो है वो बन जाता है, डूअरशिप। इससे दिल शिकस्ती, बार बार डिसअपॉइंट होना, हार हार हो गई ऐसा महसूस करना, क्योंकि हमने शुरुआत ही करी है माया के राज्य से,
रावण राज्य से शुरुआत की है, आत्मा की जो अपने प्रति जो दृष्टि है वो माया के राज्य से है, रावण के राज्य से है, और वहां पे वो उसका राज्य है तो वो जीतेगी बार बार। दिल शिकस्त होना, हार होना, मतलब उसी के राज्य से शुरू करेंगे तो वो उसका राज्य है, उधर से शुरू करेंगे वो जीती हुई है वहां पे। लेकिन जब हम बाबा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उधर हाँ काल चक्र के परे जो मेरा स्वरूप है, अनादि स्वरूप, वहां से जब हर चीज देखते हैं, तो बाबा के साथ से जब देखते हैं, तो मुझे अनुभव होगा कि ये मरी हुई चींटी है, इसका तो खेल खत्म है। तो मुझे करना क्या है? मुझे बहुत कुछ करना है नहीं, मुझे बाबा की दृष्टि से बाबा की जो दृष्टि है आत्मा के प्रति, उससे खुद को जानना है, मानना है और चलना है। उससे खुद को मानकर चलना। तो जो आलस्य है उसका मीठा रूप ये है कि अभी संकल्प आएगा, बाबा अभी मुरली चला रहे हैं और बाबा की मुरली से बहुत अच्छा संकल्प आया कि आज तो ऐसे करना है ना, मधुबन जाना है 15 दिन के बाद, तो अच्छा सा चार्ट बनाते हैं। बहुत अच्छा उमंग आया, उत्साह आया, और फिर जैसे ही ये संकल्प आएगा, फिर थोड़ी देर के बाद माया का काम ही है, जैसे ही करने का करना है। यहाँ पे हम दो चीजों को देख रहे हैं कि एक है करना है, जिसमें करना है बनना है सब आ जाता है, और माना कि अभी प्लानिंग करनी है, अभी पुरुषार्थ का चार्ट बनाना है, और ट्रैफिक कंट्रोल इतनी देर करना है ये सारा। ये कोई भी संकल्प आए ना, कि करना है, लिखना है, ये सब कुछ ये बिल्कुल स्पष्ट साइन है, ये है माया का संकल्प, ये जगी हुई आत्मा का संकल्प नहीं है। मधुबन जाकर वो वहां पे 8 घंटा योग करना है, वहां पर सतगुरुवार को ऐसे करना है, विशेष ये वाला योग करना है ना, ये सब माया का है। अब इसी क्षण इसके अलावा जो भी भविष्य के संकल्प है ना, भविष्य और भूतकाल, पास्ट और फ्यूचर, ये है माया, माया के संकल्प, और इसी से आता है आलस्य। यही आलस्य की सबसे बड़ी निशानी है, आलस्य अलबेलेपन की निशानी, फ्यूचर में पुरुषार्थ की प्लानिंग करना, फ्यूचर में मेंटली एक ऊपरी ऊपरी लेवल पर प्लान बनाना,
प्लानिंग करना बुरा नहीं है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि माया को पहचानना कैसे है, जो भी करेंगे गे के जितने संकल्प हैं, बन जाऊंगा है ना, गे गा गा, ये सब है माया के संकल्प। ये संकल्प आया और इसको शिफ्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया, थोड़े ही समय बाद दिल शिकस्ती का अनुभव होगा, होगा ही होगा। माया जो भी संकल्प लाती है उसका काम ही होता है दिल शिकस्ती का अनुभव कराना। तो माया मतलब पुरानी पुराने संस्कारों के आधार पे ये आता है ना कि करना है, बाद में करेंगे, अभी ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, इसको बंद करके थोड़ी देर बाद ये कॉल खत्म हो जाए फिर इसको करेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे। तो इसमें जरूर बिल्कुल ये जितना हम इसमें इसके साथ साथ चलेंगे, ये गे वाले बाद में करने वाले जो संकल्प हैं, तो तुरंत ही थोड़ी ही देर बाद वो दिल शिकस्ती का अनुभव होगा ना, क्योंकि नहीं पता है ना 15 दिन में फिर क्या हो जाए, फिर वहां जाके मधुबन जाके सोचेंगे, फिर जब घर जाएंगे तब ये करेंगे, तब एक अच्छी भट्टी से शुरुआत करेंगे। तो ये है इसके फेरे, माया के फेरे, कैसे ये घुमाती है ना। ये बुरी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, उसको घुमाते रहना ये उसका काम है, उसकी ड्यूटी है इस समय। सब आत्माओं के प्रति, विशेषकर ब्राह्मण ब्राह्मण आत्माओं के प्रति ये माया के काम है और वो अच्छे से करती है उसको। लेकिन जैसे ही ये संकल्प आए ना, 15 दिन बाद ये करेंगे, चार्ट शाम को बनेगा, फिर पुरुषार्थ शुरू करेंगे, अभी क्लास कर लेते हैं, क्लास के बाद पुरुषार्थ अच्छे से शुरू करेंगे, अभी समझ लेना है ये संकल्प ही माया का है। इसको शिफ्ट शिफ्ट कंप्लीट स्मृति में आना ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, बात कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, बाद में करेंगे, जितना टाइम लगा ना ये संकल्प करने में, बाद में करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे और बंद करने में, उससे कम टाइम लगेगा इस शिफ्ट करने में कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं मैं और बाबा के साथ हूं। इतना टाइम लगेगा, उससे भी कम टाइम लगेगा स्मृति को चेंज करने में, इस क्षण इस पल अव्यक्त अव्यक्त स्वरूप निराकार बाबा और अव्यक्त आत्मा साथ है। जितना हम हूं में अभी इस पल अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं क्या, अभी ये पहला सेकंड, जितना हम जो अभी चल रहा है उसको पहला सेकंड बनाएंगे बजाय इसके कि 15 दिन बाद पहला मेरा शुरू होगी यात्रा, पुरुषार्थ शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा, गुरुवार से शुरू होगा, बजाय उसके इतना टाइम लगता है, उससे कम टाइम लगता है शिफ्ट करने में कि ये पहला सेकंड मैं आत्मा हूं, आत्मा बाबा के साथ है, आत्मा बाबा इस क्षण आत्मा को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठी दृष्टि से देख रहे हैं, आत्मा का स्वरूप इस क्षण निराकार, आत्मा है ही बीज, है ही चैतन्य बीज रूप, और बाबा का भी रूप यही। तो 1 सेकंड का शिफ्ट है ये, तो आलस से अलबेलापन मुक्त ना, मुक्त स्थिति माना हर बार ये चेंज, बहुत फोर्स से आएगा माया का, बाद में करने वाला बाद में करेंगे, बहुत फोर्स से आएगा,
वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। और आत्मा जिसका साथी बाप है, राजाओं का राजा है, उसको अपना काम भी बहुत ही फोर्स से, बहुत ही प्यार से, सहजता से करना। इस वक्त ही मैं हूं, उतना ही सेम टाइम लगेगा, लेकिन हर बार समर्थी, हर बार जीत है, हर बार ये आंतरिक विजय। जितनी बार इसके संकल्पों को शिफ्ट किया शिफ्ट भी क्या किया, जितनी बार आत्मिक जगी हुई आत्मा के स्वरूप से संकल्प किया, परमात्मा की जो निरंतर दृष्टि है चैतन्य आत्मा के प्रति, उस आधार से संकल्प किया, वो विजय है। तो माया जीत है, माया जीत है, जगत जीत। तो माया जीत तो जगत जीत। तो जो पार्ट के लेवल पे भी जो कमजोरी मालूम पड़ती है, कमियां मालूम पड़ती हैं ना, पार्ट के स्तर पे, कर्मों के स्तर पे जो अलबेलापन दिखाई देता होगा, मान लीजिए किसी को दिखाई देता है कि ये वाला ये नहीं उठ पाते, ये नहीं कर पाते, इसको मर्ज करने का तरीका है ये। उधर से हम बाहर से पहले पार्ट के लेवल पे शुरू करेंगे कि नहीं नहीं ऐसे करना ही है ना, तो वो कभी कभी ये होगा, कभी कभी कुछ और होगा, कभी उठना कभी नहीं उठना, कभी ऐसे कभी वैसे, हर चीज कभी कभी वाली रहेगी। लेकिन जैसे ही संकल्प आया, अभी 10 मिनट बात करते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, जगी हुई आत्मा संकल्प देगी। जगी हुई आत्मा माया के किसी संकल्प को लेगी नहीं, क्योंकि माया है घोस्ट। घोस्ट माना ये मर गई है, खत्म हो गया है, अब एहसास दिला रहा है कि मैं जिंदा हूं। जगी हुई आत्मा घोस्ट का कोई संकल्प नहीं लेगी, वो इस प्रभाव में नहीं आएगी कि ये जो खत्म है, ये जो दिखा रहा है कि मैं जीवित हूं, उसके डर में नहीं आएगी। उसको पता है ये खत्म ही है, और खत्म ही है का मतलब यहां से अभी पहला सेकंड है। अब बाबा कहते हैं, स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। तो पुरुषार्थ है सूक्ष्म और कर्मों के लेवल पे है स्थूल, दोनों में बाबा कह रहे हैं कि आलस्य होता है। पुरुषार्थ अभी अभी वाले में आलस्य होता है, इसीलिए स्थूल कर्मों में आलस्य होता है। तो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। तो पुरुषार्थ में माना अंदर में ना, हर बार जब बात में करेंगे, देखेंगे इसको, अभी 5 मिनट बात करते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, उतना ही समय लगता है एक ही संकल्प ना, उतना ही समय है एक ही संकल्प चेंज करना कि आत्मा है अभी बाबा के साथ, बाबा है आत्मा के साथ, दोनों निराकार हैं, पाठ चल रहा है, तो उतना ही समय लगेगा। लेकिन बाबा यही कह रहे हैं कि पुरुषार्थ में जब दिल शिकस्त होते हैं, यहाँ पे जब बाद बाद करते हैं ना, 2 मिनट बाद, 15 दिन बाद, 18 जनवरी का तैयारी 1 जनवरी से करेंगे ये जैसे शुरू होता है, तो फिर स्थूल में भी आलस्य आएगा, कर्मों के लेवल पे भी आलस्य आएगा। तो क्या करें, इतना ही हो सकता है। फिर ऐसे संकल्प लाती है माया
जब ऑलरेडी अंदर में हर बार घोस्ट माया के संकल्पों को आत्मा लेती जा रही है, तो फिर ये भी आता है क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, फिर तो के संकल्प आते हैं, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, ऐसा। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। तो ये पुरुषार्थ की थकावट का मतलब ही है कि हर बार पुरुषार्थ में भी जो अनुभव इस सेकंड हो सकता है, उस अनुभव को 15 दिन बाद करेंगे, 2 मिनट बाद करेंगे, उतना ही बाबा कहते हैं कि जितना तुरंत दान महापुण्य, इसको जितना टाला ना, इसको जितना लेट किया, तो उतना बाबा कहते हैं कि संकल्प आता है 10,000, फिर उसको अभी नहीं किया तो 2 घंटे बाद हो जाता है 7,000, फिर उसके बाद चलो कल सुबह देंगे तो तब तक 5,000, और देते देते टाइम चाहे और भी कम हो जाए। इसीलिए महापुण्य का मतलब ही है अभी तुरंत तुरंत, जितना आत्मा अभी अभी वाले में आती है ना, अभी अभी, उतना उसका धैर्य बढ़ता है, क्योंकि ये अभी अभी कर्मों के लेवल का अभी अभी नहीं है, अभी करो जल्दी करो, ये तुरंत जो दान है वो यहाँ का है ना, यहाँ से माया का कुछ नहीं लिया, जगी हुई आत्मा ने संकल्प किया और वो फाइनल संकल्प है ना, कि मैं अभी, और उसका 1 सेकेंड होके अनुभव, 1 सेकेंड होके फील करना ना, 2 सेकेंड होके, मान लीजिए आधे घंटे योग में बैठने का प्लान बनाया, कुछ हो जाता है, ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट का अनुभव, 1 मिनट का अनुभव अभी करेंगे, अभी करके, तो इससे क्या होता है कि आत्मा का धैर्य बढ़ता है। लेकिन जो कर्मों के लेवल पे तुरंत तुरंत करता है, जल्दी करो जल्दी, जल्दी बाजी करता है, और यहाँ पे डेफिनेटली वो आगे के लिए छोड़ता होगा। तो बाहर में जितना जल्दबाजी है, उतना माया के प्रति धीरज नहीं होगा, इम्पेशेंस, अधैर्य, और जितना यहाँ पर हर बार अभी में आते हैं, अभी अनुभव, मेरे लिए ये पहला सेकंड है ना, ये पहला क्षण है, ये पहली सांस है, यहां से शुरुआत, हर बार नया ना, नित्य नया। तो ऐसे में माया के हर दांव पेच के प्रति कोई परेशानी नहीं होगी, हर बार धैर्यता, हर बार धीरज कि हाँ ये अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है ना, मैं तो अभी बाबा के साथ, बाबा की दृष्टि मेरे प्रति कैसी है, बाबा मुझे कितने प्यार से इस क्षण भी देख रहे हैं, इस पल देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। उमंग का अर्थ ही है अभी, अभी इस क्षण में जागृत हूं, 2 मिनट बाद मैं याद करके फिर मैं जगूंगी, ऐसा नहीं। भोजन खाते वक्त बिल्कुल दृष्टि, और फिर उस बाकी सारे वक्त भूल गए, ऐसी ऐसा हम प्रोग्रामिंग, अनजाने में ऐसी प्रोग्रामिंग होती जा रही है कि अभी साथ हूँ, 2 मिनट साथ हूँ, अब नहीं हूँ बाबा के साथ, अभी हूँ, अभी नहीं हूँ, अरे छूट गए बाबा, हाँ ऐसा, ये प्रोग्रामिंग हो रही है वियोग की बार बार, हर बार अभी पहला सेकंड, अभी शुरुआत, ये क्षण पहला सेकंड, बाबा मेरे साथ है, बाबा की दृष्टि ऐसी है, बाबा कैसे देख रहे हैं सब कुछ, बाबा इस पार्ट पार्ट के पीछे भी जो आत्मा है कैसे देख रहे हैं, हाँ मैं भी वैसे देखूं। तो ये अभी अभी जैसे जितना होगा, अब
ना, अब अभी नाउ प्रेजेंट में जितना, तो उतना उमंग, उतना आगे की पीछे की प्लानिंग, पीछे क्रमे जो नहीं कर पाए उसको लेके चलना, आगे की प्लानिंग, ये सब कुछ इसमें प्लेन बुद्धि होते जाएंगे। फिर उसमें जो टच होगा, उसमें जो आएगा, वो बाबा का ही आएगा, है ना? तो ये समझा ना, समझ में आई ना? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम ले लेते हैं। जी दीदी, एक क्वेश्चन तो जी मुझे दिख रहा है, जी पूछा है, घर पर जो चाट बनाते हैं तो वो भी 2-3 दिन ही चल पाता है, ये क्या है और फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए यही करना है कि अभी 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 अनुभव, अभी अभी मैं हूँ, और उस अनुभव से यहाँ पे हमेशा कि ये क्षण पहला क्षण है, ये सेकंड पहला सेकंड है। तो अभी मैं बाबा के साथ, अभी बाबा मेरे साथ, यहां से जैसे स्मृति है, अनुभव है, फिर उस अनुभव में रहकर चार्ट बनाए तो ठीक है, लेकिन मेरा अभी योग नहीं है, और योग लगाने के लिए मैं ठीक है पुरुषार्थ बनाती, चार्ट बनाती हूँ, तो अकेले अकेले चल रहे हैं, अकेली आत्मा अकेले चल रही है, अकेले ही बाबा को याद कर रही है, जैसे बाबा कहीं बहुत दूर है, बाबा कोई भक्ति वाले भगवान की बिल्कुल दूर बैठे हैं, तुमको सब अकेले करना है, ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो टीचर है, और टीचर ही माँ बाप है, और यहाँ पे वही माँ बाप ही साजन भी है, और वही दोस्त भी है, तो हर चीज आत्मा उसके साथ ही करेगी ना। उसको पाने के लिए मैं बाद में ये करूं, अभी तुम्हें अकेले, ऐसे ये वाला नहीं होगा एटीट्यूड, है ना, ये वृत्ति नहीं होगी। तो अभी इसे शुरुआत करेंगे, तो उस स्मृति से, उस उमंग से चार्ट बनेगा भी, तो वो भी जैसे, है ना, बाबा ही उसके लिए संकल्प देंगे, वो पता चल जाएगा कि बाबा वाला वो हमेशा के लिए होगा, फिर हमेशा एक प्रैक्टिकल, ना, जैसे प्रैक्टिकल होगा, ऐसे नहीं कि इतना हम बड़े बड़े वादे करें और फिर हो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। तो अभी से क्यों हम इधर आगे का, जनवरी का, शिवरात्रि का, ना, अभी इस वक्त नहीं है क्या बाबा, इस क्षण नहीं है बाबा की दृष्टि, इस क्षण ये अनुभव अभी इस क्षण पे नहीं है क्या? तो यहां से शुरुआत करेंगे। जी ठीक है दीदी जी, टाइम भी अभी हो गया हमारा भी, और क्वेश्चन भी नहीं है अभी लेने के लिए, तो लेकिन हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम आगे इस, ये चैप्टर मुझे लगता है बहुत एलैबोरेट है, जैसा आपने भी कहा है, इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे अगर आप चाहें तो। श्योर श्योर आपको यहीं पे वादा करना होगा, जी, वादा है। तो हम नेक्स्ट बार जल्दी फिर से मिलेंगे और जल्दी डेट से डिस्कस करके फाइनल। हाँ, डिस्कस करेंगे। तो आपका, आनंदीबेन, आपका कोई कमेंट है, कोई थॉट है, अभी जो हमने आज किया, आपने क्या जी लिया? हाँ जी जरूर, मुझे 2-3 बातें, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि अभी की जो क्लास थी ये बहुत दिनों से सबके मन में चल रहा था, भाई बहनों के मन में, और हमारे अंदर भी आ रहा था कि इसकी पूरी PDF की जाए। बाद में ऐसा लगा कि एक सार लेते हैं पहले आपसे, कि और तब अगर बाई चांस हम आगे कभी PDF करते हैं, क्योंकि और बहुत सारी चीजें थी करने के लिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत आज टच हुई कि ये जो बोला कि क्लास जाना, अमृत वेला कर लेना, ये सपोर्टर्स जरूर है हमारे, लेकिन ये फाइनल लक्ष्य नहीं है, और लक्ष्य है कर्मातीत बनना। तो मैं कुछ ये जस्ट निकाल कर सबको थोड़ा सा कल हम शेयर भी करेंगे, दोबारा से इस क्लास की शेयरिंग करेंगे हम कल क्लास, कि क्या क्या होती है उसको थोड़ा अलग करके, और निशानियां क्या क्या होती है इसकी जो अंदर होती है उसको अलग करके, तो फिर और सॉर्टेड हो जाएगी क्लास, और फिर हम सबको थोड़ा सा बता देंगे कल, तो फिर इसके हिसाब से नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। थैंक चलो यू सो मच, बहुत बहुत जी अच्छा जी लगा। और सभी क्या कहते हो, मैं सभी को एक बार अनम्यूट करती हूँ, कुछ कहना चाहेंगे सभी तो बोल सकते हैं, अनम्यूट किया है ना,
कहेंगे अच्छा हुआ बहुत अच्छा थैंक यू दीदी, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।